हाँ जी, तो आज की वीडियो गाइस, नहीं अपना इंट्रो देना भूल गया मैं। सो हेलो लोल पीपल, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। सो काफ़ी लोगों को भी मेरा इंट्रो समझ में नहीं आता, बट जो भी है, हेलो लवली पीपल, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो ये मेरा इंट्रो है, ठीक है। काफ़ी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये एकदम स्पीड में क्या बोलता है, बट अब मेरी आदत है स्पीड में बोलने की, बट कोई नहीं, ठीक है। तो जैसे गाइस मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जब मैंने अपने इंटीरियर का पूरा काम कराया था, कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और दोबारा एक इंटीरियर की वीडियो बनाऊंगा। और गाइस आज हम एक चीज़ को और ऐड ऑन करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं अपनी स्टार लाइट, ठीक है। तो मैंने इंटीरियर में बहुत अच्छा काम करा रखा है, ये मैं नहीं, मतलब मेरी ऑडियंस ही बोलती है कि आपने अपनी गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा काम करा रखा है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या अपनी गाड़ी के अंदर काम करा रखा है अपने इंटीरियर में, और मतलब लगभग आपको पता भी है, बट हम कुछ नया चीज़ ऐड ऑन करने वाले हैं। इधर आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर आओ, दिखाता हूँ आपको। जो आज गाइस हम ऐड ऑन करने वाले हैं चीज़, वो है अपनी स्टार लाइट, ठीक है। तो ये स्टार लाइट गाइस बिल्कुल अलग है और बिल्कुल यूनिक है, ये स्टार लाइट है बिल्कुल यूनिक है। इसमें क्या था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अलग से, आपको एक मैंने अलग से ना वीडियो बनाई थी, जैसे आपको पता होगा मैंने स्टार लाइट के ऊपर लेके एक वीडियो बनाई थी कि माई मारुति 800 कम्प्लीटली मैं स्टार लाइट लेके आ चुका हूँ। तो मैंने ऐसे करके एक वीडियो बनाई थी, तो उस पर भी आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया था। तो मैंने कहा था कि मैं उसको फिट करके दिखाऊंगा, बट आज मुझे फाइनली इस चीज़ के लिए मैं टाइम मिल चुका है। बाय द वे वैसे टाइम तो मिलता नहीं है, बट मुझे फिर भी टाइम मिल गया है। और हाँ गाइस, बहुत जल्दी यार अपनी डॉग आने वाला है, ठीक है। एक और मैं डॉग लेके आने वाला हूँ, और जितना हो सके गाइस जो आपके होमलेस डॉग होते हैं, तो भाई प्लीज़ उनको भी पाला करो एंड उनको प्यार दिया करो, क्योंकि भाई होमलेस ये ना बोल नहीं सकते यार, तो इंसान नहीं है। तो हम लोग तो बोल लेते हैं, बट वो बोल नहीं पाते। तो जितना हो सके ना गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये भी नहीं करते ना, मतलब अगर होमलेस डॉग को भी आप नहीं पालते, तो प्लीज़ अपने घर के बाहर मतलब घड़ा वड़ा रख दिया करो, और जिससे वो पानी वानी पी ले। तो टाइम टू टाइम पानी, और अपने छत पे भी ना पता है एक हांडी ले लो, जो हांडी आती है ना, उसको जो मटका आता है तो आधा कर लो, मतलब फोड़ लो, या फिर आप बाहर से लेके आ सकते हो तो बाहर से भी ला सकते हो। तो अपनी छत पे ना पानी भर के रख दिया करो यार, लोगों को थोड़ा ये होता है कि जो पक्षी वगैरह होते हैं वो पानी पी सकते हैं, और बाजरा वगैरह डाल दिया करो, ठीक है, उनको खाना पीना जो भी होता है। तो ये काम प्लीज़ यार कर दिया करो, ये सीन ऐसा का इसको फिट करेंगे। और पहले वीडियो दिखाया था उसका, अपने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मुझे जो इंटीरियर है कितने में काम मेरे को पड़ गया था, और इसका इंटीरियर की क्या परफॉर्मेंस रही है अब तक की, और आपको नापा लेदर करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। तो प्रॉपर आज यही व्लॉग होने वाला है, आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने गाइस अभी भी देख लो, इधर आके आपको दिखाता हूँ। सर ये देखो गाइस, इसके अंदर अभी मैंने बहुत मतलब अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, ज़रा पीछे से आपको दिखा दूँ, ये देखो। तो अभी बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके रखा है, थोड़ा सा भी गंद नहीं है गाइस। अभी मैंने कल परसों गाड़ी धुलवाई भी थी अपनी प्रॉपर, फिर दोबारा गंदी होगी, क्योंकि मैंने एक व्लॉग बना के आया हूँ अभी ऑफ रोडिंग का, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आपको प्रॉपर ब्लॉग आ जाएगा, बट जो भी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। पहले बात तो गाइस, काफ़ी लोग मेरे से ये पूछ रहे थे, भाई क्रॉल बाग में अच्छा काम होता है या फिर नहीं होता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो भाई मैं आपको बता दूँ, क्रॉल बाग में बहुत नेक्स्ट लेवल काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। ये काम गाइस आपको पता ही कि मैंने कराया था अपने क्रॉल बाग से कराया था, और लगभग मेरे को लगा कि हाँ आज मुझे प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए, एंड आपको बताना चाहिए कि आप भाई पैसे गाइस बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी, जो बच्चे जो वीडियो देखते हैं यार, उनको भी कमाना है आगे जा करके, तो एक ना दिन सबको काम करना ही है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, जो मेरा काम ये गाड़ी का हुआ था, ये लगभग अराउंड हुआ था समथिंग 26,000 या फिर 30,000 में अराउंड में काम हो गया था ये प्रॉपर। एंड तो काम बहुत अच्छा हुआ था, फिनिशिंग से काम हुआ है, कुछ भी चीज़ मतलब लेस नहीं हुई है, एंड कुछ भी चीज़ मतलब कटी फटी नहीं है। आपको ज़रा दिखा दूँ भाई, इधर लेके आ भाई, ये देखो गाइस, जैसे कि ये होती है, ठीक है, सिलाई होती है, ठीक है। तो ये भी देखो कितनी प्रॉपर है, और काफ़ी टाइम हो चुका है इसको मुझे कराए हुए, और कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। ये देख लो गाइस इसकी, ये देखो, ये चीज़ें देखो, मतलब काम बहुत अच्छा हुआ है। ये आर्मरेस्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने गाइस सुजुकी लिखवाया था, ये देखो, और ये बकेट फिट सीट कवर थे मेरे, बट जो थे मैंने बहुत अच्छे से ये काम कराया था। और मुझे यार अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपना ये काम थोड़ा इसमें कलर चेंजिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मुझे इस चीज़ के लिए भी बता देना कि मैं नया इंटीरियर कब करवाऊँ और आपको कौन से रंग का देखना है, ठीक है। थोड़ा पीछे गाइस आपको दिखाता हूँ मैं, तो पीछे गाइस गाड़ी के अंदर ये रखे हुए हैं, गाड़ी मुझे थोड़ी गाइस पीछे से उठवानी है, तो उस लिए मैं ये लेके आया था। तो ये मैं देखता हूँ कब तक मैं इसको फिट करवा लूँगा, कब तक लगवा लूँगा। एंड तो गाड़ी में गाइस कुछ भी कमी नहीं है, मेरे सीट कवर्स एकदम बॉम चल रहे हैं। और इधर देखो गाइस, आपको ये चीज़ ये दिखा, ये देखो गाइस, ये ऊपर जो भैया जो बटन्स लगे हुए हैं ना, ये वाले, ये प्रॉपर उन्होंने लगा के दिए थे, मतलब ये ना ऐसा होता है कि। और हाँ गाइस, एक हेल्पफुल एक बात और है इसके अंदर, आपको मैं बता दूँ एक इसमें हेल्पफुल क्या बात है,
कि जो मैंने ऊपर जो नापा लेदर जो लगवाया है ना, उसका भी एक हेल्पफुल ये है कि आपको जो धूप आती है ना, डायरेक्टली आपकी छत पे धूप आती है तो वो गर्मी ज़्यादा नहीं आती। अगर आप एसी चला गाड़ी चलाते हो तो बिल्कुल चिल्ड हो जाती है गाड़ी, बहुत जल्दी से हो जाती है और ज़्यादा गर्मी नहीं आती। तो ये इसमें एक हेल्पफुल चीज़ है नापा लेदर के अंदर। एंड ये चीज़ गाइस आप ज़रूर करा लिया करो, काफ़ी लोग होते हैं कि भाई वो ऊपर नहीं करवाते, बट यार मेरे कहने पर थोड़ा करा के देखना, क्योंकि मैंने भी कराया है। मैं आपके पैसे गाइस खराब तो खैर करवाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने भी अपनी गाड़ी को बनाया है और मुझे भी बहुत टाइम लगा है। अभी गाइस काफ़ी लोग तो मुझे कमेंट करके ये भी बोल रहे हैं कि भाई इसकी लाइट आप ब्लैक करवा दो, तो मैं वो भी करवाऊंगा। अभी गाइस थोड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि मैं कल गया था तत्वा भाई के घर पे गया हुआ था, और वहाँ पे मैंने इंडीवर और इसकी मैंने ऑफ रोडिंग करी है, वो पूरे ड्रोन शॉट्स आए हैं, और तो वो वीडियो भी आपकी जल्दी आ जाएगी, शायद वो इसी मंथ मेरी आ जाएगी वो वीडियो, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो आपको बताने ही था गाइस, अब ये बात ये है कि मैं लेके आया था जो मैं लेके आया था गाइस स्टार लाइट, ठीक है। तो ये मेरी एक स्टार लाइट थी, ये इसका बॉक्स था स्टार लाइट का। एंड ये मुझे गाइस जो स्टार लाइट थी ये मेरे को पड़ गई थी अराउंड 2500 की ऐसे समथिंग मुझे पड़ गई थी, ठीक है। हाँ मुझे याद नहीं है वैसे इसे, वो वाला ब्लॉग अगर ब्लॉग होगा तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आपको उसका लिंक, तो वो भी आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो ये जो गाइस लाइट थी ये आपको मैं पूरी फिट करके दिखा देता हूँ, और जब इसको जलाएंगे हम, इसको जलाएंगे गाइस रात को आपको थोड़ा दिखा दूंगा कि इसके अंदर कैसे जलती है एंड कैसा इसका वर्क है और कैसी आपको रात में मतलब कैसी लाइट लगती है, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं अभी और इसको पहले हम फिट कर लेते हैं, कैसे फिट करते हैं आपको बता देता हूँ मैं। ये गाइस ये इसका आर्मरेस्ट है, ठीक है। तो हम इसको आर्मरेस्ट पे इसको ऐसे करके हम लगा देंगे, ऐसे करके हम आर्मरेस्ट पे ऐसे चिपका देंगे, तो हमें यहाँ पे ये टेपिंग मिल जाती है, ये टेप मिल जाती है हमें इसके अंदर गाइस, एक एक्स्ट्रा टेप और मिल जाती है, ये देखो इसमें हमें एक एक्स्ट्रा टेप और मिल जाती है, और ये हमारा मिल जाता है रिमोट जिसके अंदर हमें दिए जाते हैं गाइस मोड काफ़ी सारे। तो मोड का सीन ये रहता है गाइस कि आपको 3 से 4 मोड मिल जाते हैं, और 3 से 4 मोड का मतलब एक तो जल्दी जल्दी ब्लिंक होती है लाइट, ठीक है, और एक मतलब बिल्कुल जली रहती है और धीरे धीरे ब्लिंक होती है, तो आपको 3-4 मोड मिल जाते हैं। और अगर इस मैंने ये है रेड कलर की लाइट, ये है आपकी रेड कलर की लाइट पड़ जाती है। एंड रेड कलर का क्या सीन है गाइस, मेरा इंटीरियर ना रेड है तो मैंने इसलिए मैं रेड लेके आया हूँ, और आपको गाइस ये अराउंड आपको 3 या 4 कलर के अंदर मिल जाएगी, एक तो होती है वाइट, एक होती है आपकी ब्लू कलर की, एंड एक मिल जाती है रेड कलर की, 3 या 4 कलर में आ जाती हैं। तो आपको जो सा कलर पसंद हो वो आप लगवा सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर। तो मैं तो फिलहाल ये वाली रेड वाली ले गया क्योंकि मेरा रेड इंटीरियर है। अभी गाइस हम ना ऐसे लाइट को ऐसे लगाएंगे जो कि हमारे बिल्कुल रूफ पे जाए, ठीक है, तो हमारे रूफ में मतलब सारी में लाइट ही लाइट फैल जाए। तो अभी हम करेंगे क्या कि ये जो चीज़ है, ये जो अपनी लाइट है, इसको हम ऐसे करके गाइस इस पर ऐसे लगाएंगे जो कि ये ऐसे लग जाए और ये चिपक जाए इससे, ठीक है, और ये लाइट सीधा ऊपर फेंके यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसको बराबर फिट करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इसको जो टेप है हम टेप को हटाएंगे आराम से, ठीक है, तो टेप हम हटाएंगे इसको, तो हमारे टेप हटा दिए, तो अब लग गई। गाइज ये हमारे यहाँ पर ये फिट हो गई है, ठीक है। तो अभी गाइज हम चलते हैं घर पे और रात को आपको दिखाता हूँ कैसी लगती है चलते वक्त, कि यहाँ पर हमारा कैसा लगेगा चलते वक्त, ठीक है। और इसको गाइज हम सेटअप करते हैं थोड़ा सा, ये देखो गाइज ऊपर ये the noise of PN, take the high road and hop in.